ये है आटे का पैकेट और ये है कपड़ा। आज मैं आपको फैंसी सा बैग बनाना बताऊंगी। सबसे पहले ये मैंने ये कटिंग नहीं किया है, देखिए ये मैंने कटिंग नहीं किया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद ये मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है, ये मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है, देखिए डबल फोल्ड है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से रखकर मैं इसके ऊपर ये पैकेट रखूंगी इस तरीके से, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे, ठीक है। ये आधा है, यहां से भी हमने आधा लिया है और इधर से भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। देखिए हमने आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। अब इसको हम इस पैकेट के ऊपर अटैच करेंगे। देखिए अब इसको हम उल्टा उल्टा है या अंदर, सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे, उल्टा हिस्सा हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से हम पूरी सिलाई करेंगे। देखिए हमने एक तरफ से सिलाई मार ली है ये, अब इसके बाद हम इस तरफ से भी सिलाई मारेंगे, यानी कि देखिए हमने यहां से सिलाई मार ली है और यहां से भी हमें सिलाई मार। हाँ ये हमने यहां से और यहां से दोनों तरफ से सिलाई कर ली है। अब इसके बाद हम देखिए इस तरीके से रखेंगे और ऐसे खोलेंगे, देखिए ठीक है, यानी कि ये सिलाई का है लास्ट। यहां से भी हम सिलाई करते बट हमारा कपड़ा जॉइंट है तो इसलिए हमने यहाँ सिलाई नहीं की थी। अगर यहाँ से कट होता तो यहाँ से हम यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से तीन साइड सिलाई करते। अच्छा अब इसके बाद हमें इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से करना है, समझ रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करके ऐसे करना है, पूरी तरीके से इसको अच्छे से सेट करना है। देखिए हमने सेट कर लिया है, देखिए ये हिस्सा वो है जहाँ हमने सिलाई लगाई, ठीक है। अब इसके बाद हमें सिलाई के इस तरफ से 4 इंच लेना है, 3.5 इंच भी ले तो चलेगा, ठीक है, ले लिया। और सिलाई के यानी कि जितना इस सिलाई से यहाँ लोगे इतना ही इस सिलाई से हमें इस तरफ लेना है, ठीक है। हमने यहाँ 3.5 लिया है तो हम यहाँ पर भी 3.5 लेंगे, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया है, अभी इसी निशान पे हम सिलाई मारेंगे। सिलाई करने से पहले हम हमेशा सिलाई को लॉक कर लेंगे। सिलाई करने के बाद भी हम सिलाई को लॉक कर लेंगे। देखिए हमने ये ऐसा कर लिया, बिल्कुल सेम टू सेम हम इस साइड भी ऐसे ही करेंगे।
इस सिलाई से 3.5 हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस सिलाई से 3.5 का हम यहाँ से निशान लगाएंगे और 3.5 का यहाँ से, ठीक है। अब हम इस पर सिलाई करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब हम इसको सीधा 3.5 इस तरफ से और 3.5 इस तरफ से, जैसे हमने कपड़े में किया था जॉइंट के से। इसके बाद सिलाई लगा लीजिए। जब सिलाई पूरी लग जाए सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। 3.5 का निशान लगा लिया, सिलाई पूरी कर लीजिए। और जो दूसरा साइड होगा उसमें भी सेम ऐसे ही हमें करना है। ये हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कपड़े के अंदर डालेंगे, पैकेट को फोल्ड करके। ये हमने कपड़े के अंदर डाल लिया है। देखिए प्रिंटेड हिस्सा अंदर की तरफ और वाइट हिस्सा बाहर की तरफ है। अब इसको डबल फोल्ड करके कपड़े पर सिलाई लगाइए चारों तरफ से, राउंड में पूरी तरीके से अच्छे से सिलाई लगानी है। ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। देखिए अभी बना नहीं है पर कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें 14 इंच लंबी पट्टी, 14.5 इंच लंबी पट्टी और 3 इंच चौड़ी पट्टी, दो पट्टियां काटनी है। देखिए दो पट्टी काटनी है। अब इसके बाद दोनों पट्टियों को फोल्ड करके हमें एक बद्दी बनानी है। फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड करिए जिससे कि अंदर का किनारे का धागा निकले ना, या कपड़ा ना निकले, फिनिशिंग से के साथ। देखिए हमने ऐसे सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमने दोनों पट्टियां बना ली हैं। अब ये जो लाइन जॉइंट देख रहे हो, जॉइंट के उस तरफ 2 इंच का निशान लगाना है और जॉइंट के इस तरफ भी हमें 2 इंच का निशान लगाना है। इसी तरीके से हमें पीछे भी निशान लगाना है। ये जो जॉइंट दिख रहा है, जॉइंट के इस तरफ से 2 इंच और इस तरफ से भी 2 इंच, दोनों तरफ से। देखिए हमने ये निशान लगा लिया है। अब ये जो हमने जो बद्दियाँ बनाई हैं, इस बद्दियों को इस निशान के ऊपर अटैच करेंगे, दोनों बद्दियों को। बद्दियों को इस तरीके से अटैच करना जिससे कि हम कोई सामान रखते हैं तो ये बद्दियां खुल के गिरे ना। हमें पक्की सिलाई लगानी है बद्दी के चारों तरफ से। देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, मशीन के बूट को उठा उठा के चारों तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। देखिए हमने दोनों तरफ से बट्टी लगा ली है। देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा बैग। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।